कुछ मदद आई कि नहीं आप लोगों के लिए? कुछ ना आई, क्या आया, यहाँ पे पानी तक ना रहा है। तो खेती बाड़ी करती थी आप? हाँ, लोग यहाँ खेती बाड़ी ना। सब डूब गए, सब सामान बह गया। पानी नहीं, पानी की दिक्कत ज्यादा है, पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आया कि नहीं? आया, भरने भी नहीं दिए तो भाग गया लेके। एक बार टैंकर आया। खाने के लिए कुछ दिया है कि नहीं? कुछ नहीं दिया। सुबह हलवा दो, हलवा दो, पूरी दे दी, उससे क्या हो जाएगा बताओ इतने परिवार में। दिल्ली में बाढ़ है और बाढ़ का भी एक समाज शास्त्र है। सोचिए, इस देश में कहीं भी बाढ़ आए, कोई भी आपदा आए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो है वो गरीब लोग होते हैं। और गरीब कौन लोग हैं वो आपको पता है। इस देश का जो मूल निवासी है, SC ST OBC, जो खेती पर आश्रित है, और शहर हो, गाँव हो, जहाँ भी कोई आपदा आती है तो उसके पहले शिकार वो लोग होते हैं जिनके पास न ज़मीनें हैं, न नौकरियाँ हैं, जो जिनके पास न शिक्षा है, गरीबी है जिनके हिस्से में, वही हर तरह के, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बाढ़ हो, तमाम तरह के विपदाओं का जो शिकार हैं वही होते हैं। यही इसका समाजशास्त्र है। टीवी अखबार आपको बाढ़ दिखा रहा है, मैं आपको बाढ़ का समाजशास्त्र दिखाऊंगा कि इस देश में बाढ़ पीड़ित कौन लोग होते हैं, उनकी जाति क्या है, ये बड़ा सवाल है। आइए कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ और कुछ सवाल पूछूँगा और आपके लिए कुछ सवाल छोड़ जाऊँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में गरीबी हो या विभीषिका के शिकार लोग हों या प्राकृतिक आपदा के शिकार लोग हों, उन सब की गरीबी है। और वो ज़्यादातर इस देश के जो मूल निवासी हैं, SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वही बाढ़ की विभीषिका में प्रताड़ित हैं। उनको आप गरीब कह के पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी एक जाति है और गरीबों में ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग नहीं हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए, ये बहुत सालों बाद कहा जा रहा है कि 40-50 साल बाद यमुना नदी के किनारे इस तरह से बाढ़ आया है। और ये तमाम लोग हैं जो यहाँ हैं। क्या नाम है भैया? राधेश्याम। राधेश्याम, हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? बदायूं के हैं। तो कितने साल से रह रहे थे यहाँ? हम तो अभी काम कर रहे हैं थोड़ा। क्या करते थे? डिवाइडर बना रहे थे। डिवाइडर बनाए थे। तो ये तमाम लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। आप लोग लोकल हैं? नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, तो इसी इलाके में रहते थे और यहीं पूरा जिंदगी हो गया। क्या नाम है? बता, खाली बता, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो मुकुट है। हैं? मुकुट, मुकुट, मुकुट। कहाँ के रहने वाले थे? यहीं के रहने वाले। बच्चा? अच्छा, यहीं। तो क्या करते थे आप लोग? ये भैंस वैंस सब यहीं आप ही लोग का है? हमारा ये सब सब है ना, भैंस है, बकरियाँ हैं, ऊँट भी है। तो ये देखिए, ये है, और ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। और ये देखिए, तमाम मैं बाढ़ की विभीषिका दिखा रहा हूँ कि ये लोग घर से बेघर हो गए हैं और मेड़ पर आकर इन लोगों ने अपना ठिकाना बना लिया। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं ये लोग, और दो तीन दिन हो गए हैं, मदद पहुँचने लगी है। ये देखिए, ये दाल चावल चोखा वाला मामला है। कुछ मदद आई कि नहीं आप लोगों के लिए? कुछ ना आई, क्या आया, यहाँ पे पानी तक ना रहा है। पानी पीने के लिए नहीं, नहीं है? 8 नंबर का नल से ला रहे हैं, कभी वहाँ से ला रहे हैं, कोई चीज ना आई है, परेशान है। जो यही मतलब अपना रूखा सूखा बना के खा रहे हैं। हमने तो रूखा सूखा, पानी नहीं आ रहा है, पानी की दिक्कत हो रही है ज्यादा। तो ये देखिए, आप लोग कितने सालों से थी यहाँ? एक दिन टैंक आया, फिर थोड़ा पिला के सबको थोड़ा भाग गए, वो दोबारा यही ना, बहुत साल से रहना है, मात से रह रहे हैं। तो खेती बाड़ी करती थी आप? हाँ, यहाँ खेती बाड़ी ना। सब डूब गए, सब सामान बह गया। तो देखिए, ये रूखा सूखा चावल खा रहे हैं और बच्चे हैं, और ये तमाम जो लोग हैं, देखिए ये देखिए, पानी नहीं, पानी की दिक्कत ज्यादा है, पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आया कि नहीं? आया, भरने भी नहीं दिए तो भाग गया लेके। खाने के लिए कुछ दिया है कि नहीं? कुछ नहीं दिया। सुबह हलवा दो, हलवा दो, पूरी दे दी, उससे क्या हो जाएगा बताओ इतने परिवार में। इतना परिवार है, और देखिए बकरियां पालते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये वही लोग हैं किसान, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सब कोई डिस्कस नहीं करेगा। इस दुनिया, इस देश में गरीबी पर चर्चा होती है, डिस्कस नहीं कि गरीबी की एक जाति है, कौन लोग हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, और पूरे टीवी पर चर्चा है।
कुछ मदद आई आप लोगों को? ना रही ना, दूर पर जाता हमारा कुछ ना होता, रोड का बाटा चले जाता, हम लोगों को कुछ पानी वानी कुछ नहीं दे रहा है, कुछ ना होता यहाँ से। चलो जाता तो टैंकर भी ना मिलता है, जाता है तो ना खाना, यहाँ से जाता तो खाना खत्म। कितने सालों से हैं आप लोग यहाँ? हमको तो यहाँ 40 साल हो गए भैया। हरी सब्जियाँ आपके यहाँ पहुँच रही थी ना, वो इन्हीं की मेहनत से, अब पता नहीं फिर से इनको कम से कम 6 महीना तो लगेगा रिकवर करने में। बकरियाँ पालते हैं, मवेशी पालते हैं, और ये कुछ मदद आई आप लोगों को कि नहीं? क्या मदद आई बताओ? कुछ मदद मिली? पानी वानी आ रहा है? खाना वाना खाना आ रहा है? वैसे उल्टा सीधा आ रहा है। हाँ, अच्छा नहीं आ रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रह रहे थे? यहीं पर रह रहे। कितने साल हो गए? 30-35 साल। अच्छा, तो कहीं जड़े तो होंगी आपकी? खेत में रहते। अच्छा, तो किस समाज से हैं आप लोग? किसान है, खेती बाड़ी। नहीं, किसान तो है, इस जाति भी है ना आप लोग? क्या ठाकुर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं? यादव हैं, हाई कास्ट में आते सारे यादव, ठाकुर, भीमर, सभी जातियाँ हैं यहाँ पे। सभी जातियाँ हैं, सभी जातियाँ हैं। ठीक, ये दुकान भी थी बहुत पहले से ना? स्कूल जाते थे बाबू आप? हाँ। कहाँ था स्कूल? किशनगंज। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये दुकान भी थी एक यहाँ, वो भी रह गया बच्चे, ये है। तो ये पहली बार पानी आया इतने सालों बाद ना? हाँ, पहली बार। ये पेड़ आप लोग नहीं लगवाया था, सरकार की है? सरकार ने लगवाया। अच्छा, कोई फल नहीं है लगा हुआ ना? फल वाला? अच्छा, सिर्फ जंगल वाला पेड़ है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर किसान कम्युनिटी के लोग हैं, और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटती है। तो इस देश में अशिक्षा उन्हीं के हिस्से है, गरीबी उन्हीं, कोई खाना वाना नहीं आ रहा है ना? आप 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए आप लोग ऊपर आए हुए? 2 दिन तो खाना नहीं आता है, और वो जब तक हम लोग जाते हैं तब तक खत्म हो जाता है, ना पानी पीने को आता है। पिलाइए, देखिए बच्चा पानी मांग रहा है। टैंकर आने लाने के लिए, देखिए इस बच्चा को चिंता है कि पानी कम से कम भर लें। तो ये वही लोग हैं ज़्यादातर मजदूर जो हैं इस देश में, मजदूर की जाति आपको पता है, किसान है, उनको तो ये भी नहीं पूछ सकते हैं आपकी किस कम्युनिटी से हैं, क्योंकि ये समझने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन PhD करना पड़ता है। और बच्चों के लिए भी कोई मदद नहीं है। अब लेटरिन बाथरूम वाला तो नहीं, पहले खाना तो मिल जाए और पानी। बाथरूम भी ना रही है, पहले तो लगाते थे ना? पहले लगाते। तो ये देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली के जो गरीब हैं उनकी ये हालत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाढ़ का भी एक समाज शास्त्र है, और जो गरीब मजदूर हैं उनकी एक जाति है, उस पर कोई डिस्कस नहीं करेगा, कोई बहस नहीं करेगा, क्योंकि दर्द होता है ना लोगों को। या तो जो पत्रकार हैं उनको उस जाति से कोई मतलब नहीं है, सबके सब सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, तो वो चाहते नहीं कि इस देश को पता चले कि कौन लोग गरीब हैं, कौन लोग लाचार हैं, कौन लोग बेबस हैं, कौन लोग के पास ज़मीनें नहीं हैं। इसलिए वो बहस नहीं चाहते हैं, इसलिए वो इस पर दिखाएंगे नहीं। जब हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि जातिवादी हो। वो इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि भूमिहीन कौन है। और ऐसे कुछ मदद आई कि नहीं भाई साहब? कुछ मदद आई कि नहीं? कुछ नहीं मदद आ रही है? गाड़ी आई है अभी टैंकर की। तो ये समाज शास्त्र मैं सिर्फ दिखाने आया हूँ, बाढ़ तो आपको टीवी अखबार दिखा ही रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश में जो गरीब हैं उनकी एक जाति है, और ज़्यादातर ST/OBC के लोग भूमिहीन हैं, उन्हीं के हिस्से में लाचारी है, बेबसी है, खेती का काम उन्हीं के हिस्से में है, मज़दूर वही हैं। और इस बात पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इस देश में जाति पर कोई बात नहीं करता, इसलिए जाति जनगणना नहीं होती है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन लोग हैं, किस जाति के लोग हैं जो इस तरह के बाढ़ पीड़ित होते हैं, और गरीबी में वो विभिषिका के शिकार होते हैं। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या तूफान हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तूफान हो, किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा हो, इन्हीं के हिस्से में सारी तकलीफें आती हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था बाढ़ का समाजशास्त्र।
हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहते थे? दो दिनों से इधर आ गए हैं, कुछ मदद आई है? नहीं, मदद खाना। क्या नाम है? सैफली नाम है। सैफली ना? खाना वाना लिया थे, चले जाते। तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि इस देश में हर चीज की जो सच्चाई है वो जाती है, जाती है कि जाती नहीं है, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आप। यमुना नदी बह रही है और बाढ़ की विभीषिका है, और जो विस्थापित हैं, जो टेंटों में रहने को मजबूर हैं, उनकी एक जाति है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या फिर अकाल पड़े, या फिर तूफान हो, इन सब से जो प्रभावित समाज है उसी को SC ST OBC किसान जातियाँ हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन इस देश की मीडिया इस पर बात कभी नहीं करती है। तो ये था इस देश में जो प्राकृतिक आपदा होता है उसका समाजशास्त्र। और बहुत लोग कहेंगे कि आप जातिवादी हैं, दरअसल इसलिए वो जाति पर डिस्कोर्स नहीं करते हैं, इसलिए वो जाति जनगणना का विरोध करते हैं, कि उससे पता चल जाएगा कि कौन मजदूर है, कौन भूमिहीन है, और कौन सत्ता में बैठकर मलाई खा रहा है, कौन बड़े बड़े पदों पर है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग हैं जिनकी संवेदनाएँ नहीं जगती हैं। अगर संवेदनाएँ जगे तो इस तरह की विभीषिका के लिए फ्यूचर प्लानिंग भी होगा, पंचवर्षीय योजनाएँ भी बनेंगी। लेकिन जो प्लानिंग बनाने वाले लोग हैं उसमें इन समाज का हिस्सेदारी ही नहीं है, जो समाज दरअसल इस देश में प्राकृतिक आपदा हो या भूमिहीन हो जो इस दर्द को झेल रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।